हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जो गाइस प्रैक्टिकल करने वाले, आज जो एक्सपेरिमेंट करने वाले, आज हम गाइस ताले को यूज करने वाले और उसको ओपन करेंगे, लेकिन हम केमिस्ट्री के वे में उसको ओपन करेंगे। और उसको ओपन करने के लिए गाइस हम एसिड यूज करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो आज हम मतलब एसिड में ताले को डिसॉल्व करेंगे और उसको खोल के देखेंगे कि क्या वो खुलता है। सो क्या होने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हम बेसिकली ताले को ही डिसॉल्व करने वाले हैं एसिड में। सो उसके लिए हम फटाफट एक ताला लेंगे, लॉक लेंगे। और गाइज आप देख रहे हैं, ये मैंने एक ताला लिया है और इसको हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं। अब मैंने इस ताले को लॉक कर दिया, तो क्या एसिड में डालने पे ये ताला खुल जाएगा या फिर नहीं खुलेगा, इसको हम देखेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो गाइज इस ताले को आज हम यूज करेंगे एसिड के अंदर। तो क्या एसिड के अंदर डालते ये ताले का लॉक खुल जाएगा, आज हम ये देखने वाले। सो गाइस मैं इसके लिए, इस ताले को खोलने के लिए हम यूज करने वाले जो एसिड है वो नाइट्रिक एसिड। और उस नाइट्रिक एसिड से हम इस ताले को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या नाइट्रिक एसिड डालने के बाद इस ताले का क्या होता है। सो गाइस चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। सो गाइस उसके लिए मैं एक बीकर लूंगा जो कि 400 ml का बीकर है, ये बीकर लूंगा। और मैं क्या करूंगा गाइस, उसमें मैं नाइट्रिक एसिड ऐड करूंगा। ये मेरे पास नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है और इस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन को मैं क्या करूंगा, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन को इस बीकर में क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा। अब इसके फ्यूम्स देख रहे हैं, और ये बहुत ही खतरनाक फ्यूम्स है। और अभी मैं गाइस इस ताले को, जो कि मैंने इसको लॉक कर दिया इस चाबी से, और मैं इस लॉकिंग वाले ताले को अभी मैं क्या करने वाला हूं, इस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में डीप करने वाला हूं। सो गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है कि ये ताला इस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में खुलेगा या नहीं। सो मैं फटाक से अभी क्या करूंगा, इस ताले को इस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में डीप करने वाला हूं। सो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो क्या ये ताला खुलेगा आप बता सकते हो, तो आप फटाफट कमेंट कीजिए। और क्या बढ़िया था गुरु। गाइज मेरे चैनल केमिस्ट्री तड़का को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, ताकि आपको डे टू डे अपडेट मिलती रहे। सो चलो देखते हैं, इस लॉक को हम इस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। क्लियर। अब ये मैंने लॉक लिया, जो कि ऑलरेडी मैंने इसको लॉक किया हुआ है। अब मैं इसको नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में ऐड करता हूं। सो ये मैंने इसको इसमें ऐड किया। Check the message on screen now. सो गाइस आप ये जो ब्राउन गैस देख पा रहे हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मतलब ये हमारे लंग्स, फेफड़े, ये हर एक चीज़ को ख़राब कर सकता है। सो बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस रिएक्शन। सो गाइस जो आपने ये ब्राउन कलर का फ्यूम देखा था, ये बेसिकली है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और गाइस ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है, और ये इतना ज़्यादा हार्मफुल गैस है गाइस कि जैसे हमारे लंग्स के अंदर अगर हम लेंगे, हमारे फेफड़े भी खराब हो सकते हैं। सो गाइस ये मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस ऊपर की तरफ मूव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गैस निकल रहा था, बहुत कलर दे रहा था। तो मुझे तो बहुत मजा आया एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें, आप देख पा रहे होंगे गाइस उस ताले की हालत क्या होगी। ये ताला पूरी तरीके से गल चुका है, देख रहे हैं? ये ताला जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इतना नया ताला मैंने तुमको दिखाया था,
और ये ताला पूरा खत्म हो चुका है क्योंकि नाइट्रिक एसिड ने इसको पूरा अच्छे तरीके से रिएक्शन कर दिया इसके साथ और ये ताला पूरा खत्म हो चुका है। और आपने नया ताला देखा होगा जो काफी अच्छा था, काफी चमकदार था, लेकिन इस ताले की कंडीशन आप देख रहे हैं, ये ताला खत्म हो गया है, खत्म कर दिया, मतलब ये पूरा खत्म हो चुका है। और मतलब गाइस मैं क्या बताऊं, मैं आधा घंटा इसको बाहर रखा था ताकि इसके जो हार्मफुल गैसेस है वो बाहर ही जाए और बहुत ज्यादा गैस इसमें से निकल रहा था। अभी भी गैस कंटिन्यू इसमें से गैस आ रही है और आपने देखा होगा ये बहुत तरीके से खोल रहा था, मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपेरिमेंट है जो इस एक्सपेरिमेंट को शूट करता है क्योंकि इसमें ब्राउन कलर की जो गैस निकलती है बहुत खतरनाक गैस है गाइस, बहुत ही खतरनाक गैस। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको ट्रांसफर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए गाइस, क्योंकि ये आपका चैनल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।